पहला क्वेश्चन तो यही है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है? तो देखो जैसे नाम बता रहा है फ्लूइड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है? एट रेस्ट, यानी कि फ्लूइड जो है वो रेस्ट पे है ना। सो हम वो सिचुएशन स्टडी करने वाले हैं जहां पे फ्लूइड रेस्ट पे होगा। मगर फिजिकली इसका मीनिंग क्या है? फिजिकली इसका मीनिंग ये है कि देखो भैया अगर पानी रेस्ट पे है तो पानी का जो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन होगा फाइव डॉट वो जीरो होगा, और अगर फाइव डॉट की वैल्यू जीरो है इसका मतलब फ्लूइड के अंदर टाउ भी जीरो होगा, है ना। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर बीकर है, बीकर के में पानी जो है रेस्ट पे है, ठीक है, और उस पानी में एक पॉइंट मार्क किया आपने, ठीक है, उस पानी में एक पॉइंट मार्क किया। अब उस पॉइंट से आप कोई भी प्लेन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, उस प्लेन पे जो शेयर स्ट्रेस आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइव डॉट जो है जीरो है। अगर फाइव डॉट यानी कि डी यू बाई डी वाई जीरो हुआ तो टाउ भी जीरो आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? अब इसका मतलब क्या है फाइनली? फाइनली इसका मतलब है कि भैया हमें पता है किसी भी सब्सटेंस में अगर एक पॉइंट से पास करने वाला कोई प्लेन बनाए उस प्लेन पे एक तो शेयर स्ट्रेस होता है और एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है। अब यहाँ शेयर स्ट्रेस तो जीरो है तो उस प्लेन पे एक ही स्ट्रेस होगा यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस होगा, उस नॉर्मल स्ट्रेस को आप प्रेशर कहते हैं। तो सिग्मा जो है वो नॉन जीरो हो गया मगर टाउ जो है जीरो हो गया। सो हम इन सिचुएशंस को स्टडी करने वाले हैं जहां पे किसी भी प्लेन में शेयर स्ट्रेस जो है जीरो होगा और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस दिखाई देगा। सो ये आपका फ्लूइड स्टैटिक्स है। अब देखिए अब इसमें हम किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर पाएंगे। सो से फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक हाइड्रो पावर प्लांट पे काम कर रहे हैं और हमारा काम क्या है कि हम एक डैम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, ठीक है गाइस? आपको ध्यान है ना ये सारी चीजें, आपको ध्यान है कि हमने स्ट्रेस स्ट्रेन की वो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की डिस्कशन की थी, हमने मोर सर्कल बनाया था, हमने देखा था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्ट्रेस कैसे लिखेंगे, वर्टिकल प्लेन पे स्ट्रेस लिखेंगे, इंक्लाइन प्लेन पे स्ट्रेस लिखेंगे, ये सारी चीजें आपको याद है? सोम की जो मैंने सोम से रिलेटेड जो मैंने डिस्कशन किया था, इसको कोई डाउट तो नहीं है? अगर मान लीजिए किसी से मिस हो गया हो ये सारी चीजें तो आप वो प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है ओके। तो बीच में अगर कोई भी डाउट आए, ठीक है, तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड स्टैटिक्स में अभी जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसमें थोड़ा बहुत शायद सोम आ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम चैप्टर से क्या एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। सो मैंने कहा कि मान लो आप एक हाइड्रो पावर प्लांट पे काम कर रहे हो, सो क्या होगा कि जो सिटी का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होगा उसकी सर्वे टीम आपको बताएगी कि भैया शहर की इतनी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के हिसाब से हमें इतना पावर चाहिए, इतना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम मैकेनिकल इंजीनियर्स हर तरह का काम करते हैं, हम मैकेनिकल इंजीनियर्स हम ये चेक करेंगे भैया इतना पावर जनरेट करना है, ठीक है, इतने पावर जनरेशन के लिए ये वाली टर्बाइन चाहिए होगी और हमें एक ऐसा डैम बनाना पड़ेगा जो पानी को इतनी हाइट तक स्टोर कर सके। सो हम इस तरह की कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें एक डैम बनाना है, इस तरह से एक डैम बनाना है और वो डैम जो है वो पानी को स्टोर कर रहा है और उस पानी की जो हाइट है वो है कैपिटल एच, ठीक है। सो हमें ये हाइट तो पता है, कैपिटल एच हाइट तो पता है, ठीक है। अब देखिए डैम को डिजाइन करना है, सो हमें पता है कि पानी क्या करेगा, डैम के हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे तो जो प्रेशर लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा और जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर की वैल्यू जो है बढ़ती चली जाएगी। सो इस तरीके से आपको एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा, आपको पता लगेगा कि डैम के किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए जो डैम की दूसरी साइड है वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, सो ये आपके पास डैम की दूसरी साइड है, ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, इसके हर पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। सो जो राइट हैंड साइड है डैम की वहां पे हर साइड पे प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब जरा देखिए
मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड का जो लोड है वो ज्यादा है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के लोड में से राइट हैंड साइड लोड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो आपके पास लोड आएगा वो लोड कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ये आपको फाइनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको फाइनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि देखिए पी एटमॉस्फेयर माइनस पी एटमॉस्फेयर वो जीरो होता है, तो यहां मैंने जीरो मार्क कर दिया, ये आपको फाइनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। ठीक है, अब डैम को जब कंस्ट्रक्ट करना है, डैम को जब डिजाइन करना है, तो डैम क्या है, एक कैंटिलीवर बीम की तरह है। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, डैम क्या है, एक कैंटिलीवर बीम की तरह है। एक कैंटिलीवर बीम क्या होता है, जो कि एक एंड पे फिक्स होता है, ठीक है, और उस पे कुछ लोड लग रहा होता है, जैसे यहाँ पे लोड ऐसे लग रहा है, ये आपके पास कुछ लोड लग रहा है। अब इस बीम को डिजाइन करना है, तो देखो डिजाइन करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि ये जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, इस लोड डिस्ट्रीब्यूशन की रिजल्टेंट फोर्स क्या है, वो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, और वो रिजल्टेंट फोर्स किस पॉइंट पे लग रही है। ठीक है, अब अगर आपको ये पता लग गया तो आप इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके रिएक्शन फोर्स और रिएक्शन मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब आपको बीम पे एक्सटर्नल लोड भी पता है और रिएक्शन फोर्स रिएक्शन मोमेंट पता लग गया है, यानी कि आप SFD BMD बना लेंगे, और जब SFD BMD बन जाएगा, सो SFD में भी ऐसे आएगा, कुछ इस तरीके से SFD आएगा और इस तरीके से कुछ BMD आएगा, सो जब आपको SFD BMD पता लग जाएगा तो आप बता सकते हैं कि भैया बीम की जो ये वाली साइड है यहाँ शेयर फोर्स बहुत ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होना चाहिए, सो उस हिसाब से आप बीम की शेप डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, क्या मैंने सही बताया, बीम की शेप कैसे डिसाइड करते हैं, मेरा प्रोसीजर सही है, सभी को समझ आ गया। सबसे पहले लोड का रिजल्टेंट फोर्स निकालो और पॉइंट निकालो, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके रिएक्शन फोर्स और रिएक्शन मोमेंट निकालो, फिर शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, तो आपको पता लगेगा कहाँ पे शेयर फोर्स ज्यादा है, तो एरिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ओके, सो सभी को क्लियर है। ठीक है, अब देखिए आपका जो डैम है वो भी एक तरह से कैंटिलीवर ही है, कैसे, ये देखिए ये वन एंड पे फिक्स है और इस पे जो लोड लग रहा है वो कैंटिलीवर के परपेंडिकुलर लग रहा है। सो हमारा क्या एम है, सबसे पहला जो हमारा एम है, हमें पता है कि भैया ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, ये जो प्रेशर वेरिएशन दिखाई दे रहा है, ये जो प्रेशर है एक्चुअल में ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, लोड पर यूनिट एरिया है ना, ये क्या है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इस प्रेशर के कारण रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, ठीक है, वो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। सो उस रिजल्टेंट फोर्स को आप बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज सरफेस, पानी के कारण उस सरफेस पे फोर्स जो पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, और इसका जो पॉइंट आएगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। अब आपको एक बार ये पता लग गया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाल के यूज करके आप रिएक्शन मोमेंट यानी कि फाउंडेशन पर जो रिएक्शन फोर्स है और रिएक्शन मोमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप SFD BMD बना सकते हैं और उसके बाद डैम की शेप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से डैम डिजाइन किया जा सकता है। मगर पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि भैया इस लोड का या लोड डिस्ट्रीब्यूशन का यानी कि प्रेशर का रिजल्टेंट फोर्स कितना है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। सो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम समझेंगे कि प्रेशर का मतलब क्या है, जो कि एक्चुअल में आप लोग कर ही चुके हैं, प्रेशर का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेस। सो इस चैप्टर में सबसे पहले तो चेक करना होता है कि प्रेशर होता क्या है, प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है, और उसके यूनिट्स क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे हम प्रेशर की डेफिनेशन लिखेंगे, मगर जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रेशर जो है स्ट्रेस है। ठीक है, अब अगर प्रेशर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस एक टेंसर होता है, मगर प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये चीज हमें पास्कल्स लॉ से पता लगती है। सो आपको टॉपिक वन एंड टॉपिक टू में प्रेशर की नेचर और प्रेशर की डेफिनेशन पता लग जाएगी। ठीक है, अब जरा देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए प्रेशर होता क्या है, वो हमें यहाँ पता लग जाएगा, फिर हमें पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, जब हम पानी में नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर की वैल्यू कैसे इंक्रीज कर रही है। ठीक है,
सो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको थर्ड पॉइंट में मिलेगी, जिसको आप बोलेंगे हाइड्रोस्टेटिक लॉ। हाइड्रोस्टेटिक लॉ आपको किसी भी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्यों चाहिए? ये देखो, आप क्या करोगे, आप डैम के सरफेस पे एक पॉइंट लोगे। मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो है पी, और इस पॉइंट का जो एरिया है वो है डीए। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर फोर्स नहीं होता, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा डीएफ, वो डीएफ बन जाएगा पीडीए। ये तो आपको एक पॉइंट पे फोर्स मिला है। इस तरह से डैम पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे कुछ फोर्स लग रहा है। तो जब आप सारी फोर्सेस को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल प्रेशर फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टोटल फोर्स को निकालने के लिए आपको चाहिए इंटीग्रल ऑफ पीडीए। मगर उसके लिए सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या है। सो वो हमें पता लगेगी हाइड्रोस्टैटिक लॉ से। ठीक है, और एक बार हमें हाइड्रोस्टैटिक लॉ पता लग गया, सो हमें क्या करना है, प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करके उसके बाद ये रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स निकालनी है। सो वो हम कहां पे देखेंगे? वो हम देखेंगे 7th टॉपिक में, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो हम 7th टॉपिक में करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सबमर्ज सर्फेसेस। ठीक है, उसी तरह एक और एप्लीकेशन देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक शिप है, तो जब हम शिप को डिजाइन करते हैं हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है गाइस? जब आप एक शिप को डिजाइन करते हैं आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आई थिंक पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि शिप फ्लोट करे, शिप डूबे नहीं, है ना? बहुत सिंपल है, शिप जो है डूबे नहीं। सो मान लीजिए आपके पास एक शिप है और ये अभी फ्लोट कर रहा है, तो शिप को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहिए। वेरी गुड समर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शिप को जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहिए, वो उसको सिंक नहीं करना चाहिए। अगर नीचे की फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो वो सिंक कर जाएगा, है ना? सो हम क्या करते हैं, हम इस पे सारी फोर्सेस चेक करते हैं। अब शिप हमारी बॉडी है, अब किसी भी बॉडी पे दो ही तरह की फोर्स होती है, एक तो होता है बॉडी फोर्स यानी कि उसका खुद का वेट, दूसरा होता है सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स में दो कॉम्पोनेंट आते हैं, एक होता है प्रेशर और एक होता है शियर स्ट्रेस। फ्लूइड रेस्ट पे है तो शेयर स्ट्रेस जीरो होगा, तो सिर्फ प्रेशर कंपोनेंट रह जाएगा। अब जरा देखिए, इस सरफेस पे कुछ प्रेशर लग रहा होगा, ऊपर के जो पॉइंट्स हैं वहां प्रेशर कम है, नीचे के पॉइंट्स पे प्रेशर ज्यादा है। तो ये क्या है, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इस प्रेशर के कारण एक टोटल फोर्स आएगी F1, है ना, ये वाले सरफेस पे, वर्टिकल सरफेस पे। उसी तरह आपके पास एक और सरफेस है, यहाँ भी ये वाला जो पॉइंट है इधर कुछ प्रेशर लग रहा होगा, और ये वाला जो पॉइंट है इसकी डेप्थ ज्यादा है, तो इस पे कुछ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस सरफेस पे भी फोर्स आएगी, प्रेशर फोर्स। तो आपको हर सरफेस पे कुछ प्रेशर फोर्स दिखाई देगी, है ना? अब ये F1 क्या है, एक सरफेस पे फोर्स है, एक सरफेस पे फोर्स है। तो हम क्या करेंगे, जब सारे सरफेसेस की फोर्सेस को वेक्टोरियली एड कर देंगे तो आपको रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स ऑन बॉडी मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए F1 वेक्टर प्रेशर फोर्स ऑन अ सरफेस, F2 वेक्टर प्रेशर फोर्स ऑन अ सरफेस, बट FB वेक्टर प्रेशर फोर्स ऑन द बॉडी। सो सारी प्रेशर फोर्सेस को ऐड कर देंगे तो प्रेशर फोर्स ऑन बॉडी मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर FB वेट को बैलेंस करेगा तभी जो है आपका शिप जो है फ्लोट करेगा, है ना? और दूसरा, FB जो है वो वेट के सिर्फ इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट ही नहीं बल्कि इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर इन दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा तो शिप जो है पलटी खा जाएगा, है ना? तो जब हम शिप डिजाइन कर रहे हैं हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो ये रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स वेट को बैलेंस करे ताकि ये सिंक ना करे, और दूसरा इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम रहे, अदरवाइज शिप पलटी खा जाएगा, है ना? तो ये जो बियोइंट फोर्स, ये जो प्रेशर फोर्स है, इस रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स को आप बियोइंट फोर्स कहते हैं, रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स ऑन अ बॉडी, इसको आप बोलते हैं बियोइंट फोर्स। सो हम 8th टॉपिक में
जो हमारा 8th टॉपिक होगा वहां पे हम इसी से रिलेटेड स्टडी करेंगे, ब्यूएंसी से रिलेटेड स्टडी करेंगे। हम यही चेक करेंगे कि शिप सिंक करेगा या फ्लोट करेगा और कहीं शिप पलटी तो नहीं खाएगा। तो पलटी वाला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके अलावा आप देख रहे होंगे चौथा पांचवा और छठा, ये तीन टॉपिक्स मैंने छोड़े हुए हैं। दरअसल चौथे में हम क्या करते हैं, प्रेशर को कई बार एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, कई बार गेज प्रेशर कहते हैं, कई बार वैक्यूम भी कहते हैं। सो हम इन टर्म्स का मतलब समझेंगे और यहाँ पे हम लोग दो और टर्म्स भी देखेंगे, स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, डायनेमिक प्रेशर क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म हो जाएगा। अब हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा जब किसी फ्लूइड में नीचे जाते हैं तो प्रेशर कैसे बढ़ता है, या किसी फ्लूइड में ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कैसे घटता है। जैसे एटमॉस्फेरिक एयर है, सो एटमॉस्फेरिक एयर में हम क्या कहते हैं कि अगर आप माउंट एवरेस्ट में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है ना। सो माउंट एवरेस्ट पे प्रेशर कितना है, क्या आदमी वहां सांस ले भी पाएगा, ये कैलकुलेशन भी करनी होगी। फिर कहते हैं कि पहाड़ों में बॉइलिंग डिफरेंट तरीके से होती है ना। जैसे वो मनाली में हेमकुंड साहिब है जहाँ पे गर्म पानी के चश्मे हैं और राइस बनता है, उस तरीके से कुकिंग भी डिफरेंट तरीके से होती है, वेपर प्रेशर का डिफरेंस है, ये सारी चीजें। तो वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है, आपको वेदर एक्सप्लेन करना है, जिसके लिए आपको एटमॉस्फेयर पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है, एटमॉस्फेयर में जीरो सी लेवल पे प्रेशर कितना होगा, माउंट एवरेस्ट की टॉप पे प्रेशर कितना होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ, स्टैग्नेशन प्रेशर भी मैं बता दूंगा, यही बता दूंगा। आप पढ़ेंगे प्रेशर वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर। छोटा सा टॉपिक है, 1-1.5 घंटा लगेगा इसमें, फटाफट हो जाएगा। और इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, क्वेश्चन एक ही है बेसिकली, उसकी दो वेरिएशन है, प्रेशर वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर। अब देखिए हाइड्रोस्टैटिक लॉ की मदद से आप प्रेशर की वैल्यू निकालना सीखते हैं, मगर कई बार क्या होता है कि इस हाइड्रोस्टैटिक लॉ में जो इंटीग्रेशन आती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आप इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो, यानी कि कुछ एजम्पशंस लेते हो। अब आप एजम्पशंस लेके कैलकुलेशन कर रहे हो तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। सो आपने प्रेशर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली, और अगर एरर ज्यादा हुआ तो सिस्टम फेल कर जाएगा। इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू भी मेजर करना जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में डिफरेंस कितना है ना। सो हम एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए हम कुछ डिवाइसेस यूज करेंगे। सो आपका टॉपिक का नाम आएगा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस। फिर बहुत सारी जगह पे, इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, हर मशीन में प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कहीं से भी लीकेज होगी तो प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा तो सिस्टम स्टॉप हो जाएगा, फोर्स ही नहीं लगा पाएंगे तो पार्ट अच्छे से फॉर्म नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है केमिकल इंडस्ट्रीज में, थर्मल इंडस्ट्रीज में प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। थोड़ा सा भी प्रेशर का फ्लक्चुएशन हुआ तो सिस्टम खराब आउटपुट देगा। सो वहां पे भी कंटिन्यूअसली प्रेशर को मेजर करना पड़ता है, तो आप प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस यूज करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में एक टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिक्विड्स इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक तो मैं आपके साथ डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स की ही टर्म्स में डिस्कस करूंगा, लिक्विड्स इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम। सो डायरेक्टली चार न्यूमेरिकल्स करेंगे, उन चार न्यूमेरिकल्स में 9th टॉपिक जो है डिस्कस कर लेंगे। अब इस चैप्टर में तीसरा, छठा, सातवां, ये तीन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एस्पेशली 6th and 7th टॉपिक, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1 question इज आस्क्ड फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स। ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ऑलमोस्ट हर साल इन दो टॉपिक्स में से मिला के 2 number का क्वेश्चन आता है। अगर प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस यानी मैनोमीटर का क्वेश्चन आएगा तो वो 2 number का रहेगा, अगर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सबमर्ज सरफेस का क्वेश्चन आया तो वो भी 2 number का रहेगा। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ये चैप्टर मेरे ख्याल से लेंथीएस्ट चैप्टर है पूरे सिलेबस का, हो सकता है ये शायद लेंथीएस्ट चैप्टर हो। ठीक है, सो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है,
सो स्टार्ट करें, टॉपिक समझ आ गए हैं, आपने सारे टॉपिक्स नोट कर लिए हैं गाइस। इस चैप्टर में गेट और आईएएस का सिलेबस सेम है, कोई भी एग्जाम हो इस चैप्टर में यही टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक्स हैं, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है और।